तो गाइस आज शुरू करते हैं हम पांचवा चैप्टर। चार चैप्टर हमारे हो चुके हैं और पांचवा चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। तो पांचवें चैप्टर में हम सीखेंगे ये कि टेक्सचर हम कैसे कैसे बना सकते हैं। टेक्सचर बहुत सारे टेक्सचर हैं, एक नहीं हजारों टेक्सचर हैं, तो वो हजारों टेक्सचर में बताऊंगा वन बाई वन के हिसाब से। तो आज जो हमारे पास जुड़े हुए बंदे, उन्होंने बोला कि आपने जो पैंट का रिव्यू डाला था, पैंट के बारे में बताया था, वो हम समझ चुके हैं, अब हमें टेक्सचर की जरूरत है, टेक्सचर के बारे में एक आध वीडियो बना दो। तो ठीक है गाइस, मैं उन्हीं के बारे में टेक्सचर की वीडियो बना रहा हूँ और वो भी स्प्रे गन के साथ बना रहा हूँ। तो मेरे पास स्प्रे गन है, दीवार पर मैं टैप लगाऊंगा, इस पर नीचे का जो बेस है हमारा ये प्लास्टिक का बेस है, प्लास्टिक का हो चुका है, नीचे हमने पुट्टी लगाई, प्राइमर लगाया, ये सारा कुछ इसमें हो चुका है। अब सिर्फ इसको टैपिंग करनी है हमने। टैपिंग करने के बाद में दाने वाला जो डिजाइन होता है हमारा, जो निकालते हैं गन से, वो मैं निकालूंगा। और गन हमारे पास ये है, इस तरह की गन है, ये देख सकते हो। तो इससे क्या होता है, देखो ये जो चीज है ना हमारी, ये इसमें से हवा पास होती रहती है। जैसे अगर हम इसमें जो कंप्रेसर वाला जो पाइप है वो लगाएंगे तो यहाँ से हवा निकलती रहेगी, उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हवा निकलती निकलती है। मटेरियल आपका नहीं निकलेगा, मटेरियल जब ही निकलेगा, जो इसके अंदर पैंट लगा होगा, जो भी डालोगे आप इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, गिलास के अंदर, तो ये निकलेगा। जिस तरह ऐसे दबाओगे जब निकलेगा, इस तरह से, इस तरह दबाओगे तो इसकी आवाज़ आएगी, खुचर 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 की आवाज़ आएगी। तो उसमें तो दाने दाने जैसा दीवार पर आके लग जाएगा, मतलब दीवार पर चिपक जाएगा वो। और ये इसकी नोजल है, तो इसका सबसे छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है, उससे बड़ा साइज। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका छोटा साइज, जो इसके अंदर अभी लगा है। तो इसके हम पे तीन साइज है, ये हमारे पास तीन है, जो नोजल जो है वो तीन है। और इसमें जितने मोटे नोजल का मुंह होगा, उतना ही मोटा दाना बनेगा दीवार पे। तो मैं बताता हूँ कि हम कौन सी नोजल से काम करने वाले हैं। आज हम सिर्फ एक ही नोजल से काम करेंगे। सबसे जो छोटा जो नोजल है हमारे पास, वो है ये वाला, ये है, तो ये सबसे छोटा है ये वाला। उससे बड़ा फिर हमारे पास ये है, उसके बाद उससे बड़ा ये है। ये सारे लगते इधर ही हैं। अगर ये बड़ा नोजल है तो इसको लगाने का जो तरीका है, डायरेक्टली ऐसे मत लगाना, नहीं तो ये लगेगा नहीं। इसको लगाने का जो तरीका है, इसको दबाना पड़ेगा आपको इस तरह से, ऐसे। ये देखो अपना भी सेट हो गई, ये देखिए इसको पूरा दबा दिया, सेट हो गई ऊपर से, ये आपने आसानी के साथ इसको टाइट कर लिया, ये देखिए आसानी के साथ पूरा टाइट करना है, ढेला नहीं छोड़ना, इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। अब क्या है कि देखो, जो इसके अंदर एक नोजल होती है, एक मतलब एक पिन होती है, जो पिन होती है वो यहाँ पे आके पूरा फिट बैठ जाती है। अब जो इसके अंदर हम गिलास लगाएंगे, उसके अंदर जो मटेरियल डालेंगे तभी निकलेगा, जबकि ये घोड़ा हम दबाएंगे इस तरह से, जैसे गन होती है हमारी, गन का जो घोड़ा दबाते हैं तभी उसके अंदर से मतलब गोली वगैरह निकलती है, वैसे इसका सिस्टम है, तभी इसके अंदर से मटेरियल निकलेगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ किस तरह से इसको हम फिट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा नोजल लगाया, तो हम छोटा लगाएंगे इसमें और उसके बारे में बताता हूँ कैसे कैसे इसको फिट करते हैं। तो इसको मैं फिट करता हूँ, कैसे हम फिट करते हैं। तो वो सबसे पहले बताता हूँ कि ये है हमारा हवा का जो मतलब लीवर होता है, हवा कंट्रोल करने वाला, ये वो है ये चीज़। अब ऐसे करेंगे हम तो इसकी हवा खुल जाएगी और गन के अंदर आने लगेगी, और इसको इस तरह कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी अच्छी तरह से। और ये इसकी नोजल है, जो उसके अंदर से मटेरियल हमारा इसके अंदर गिरेगा और जो आगे को फेंकेगी ये। अब इसमें हम सबसे छोटा साइज लगाते हैं, सबसे छोटा साइज हमारा ये है, तो हमने छोटा ही दाना बनाना है। ये देखिए, अगर ऐसे लगाओगे तो इस तरह से बिना ऐसे दबाए, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना नहीं लगेगा ये। अब जैसे ही आपने इसको अंदर किया ऐसे करके, और इसको इस तरह से हमने दबाया, और आसानी के साथ आपका ये लग जाएगा, और आपकी ये चूड़ी है वो भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह आसानी से इसको चढ़ा सकते हो आप, ये देखिए। और बात करते हैं इसकी अब, कि ये चीज़ क्या है, किस काम में आती है, ये लीवर किस काम में आता है। ये मटेरियल आपका कम बर्ती फेंकने के काम में आता है। इससे क्या होता है, मोटा मटेरियल तो इधर से, पतला मटेरियल इधर से आएगा, जैसा भी है, लेकिन इससे क्या होता है कि मटेरियल जैसे लगता है कि कम निकल रहा है, तो इसको हम ढील मतलब टाइट कर देते हैं, कम निकल रहा है तो ढीला कर देते हैं। अभी क्या है कि इस समय कम मटेरियल फेंकेगी ये, तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा ढीला करना है इसको इस तरह से, तो ये ज़्यादा फेंकने लगेगी, और इसको टाइट करेंगे तो कम फेंकेगी। तो इसको हमने अभी नेचुरल उस पर रखना, मीडियम में। तो उस समय तीन से चार चूड़ियाँ बाहर हैं, इसकी चार चूड़ियाँ बाहर हैं, तो ये ऐसा समझ लीजिए कि नॉर्मल है ये, अभी इस समय नॉर्मल है।
अब बात करते हैं हमें इसको कैसे फिट करना है। तो ये जो रबड़ देख रहे हो ना आप, ये रबड़, इस रबड़ को आपको इसके अंदर जो एक निशान होता है ये वाला, इस निशान के बीच में आपको ये रबड़ फंसानी है। अब कैसे फंसानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसको टाइट करने का क्लिप है, तो अच्छी तरह से इसको इस तरह से पकड़ें, और इस तरह से पकड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पे पकड़ें, ये नहीं पकड़ना पूरा, अगर ये पकड़ोगे तो ये फट जाएगा आपका, इसलिए यहाँ से पकड़ना है आपने, और ताकत से थोड़ा सा, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ताकत से हल्का सा घुमाना है, और ये पूरा अच्छी तरह से बैठ चुका है और जो रबड़ थी वो निशान पे पहुंच चुकी है। उससे क्या होता है कि आपका जो पानी इसके अंदर भरा होगा, ये जो मटेरियल आपका पतला होगा, तो वो लीकेज नहीं करेगा, वो रबड़ वो काम करती है। अब ये जो हमारा ये क्लिप है इसको अच्छी तरह से हमें टाइट करना है इस तरह से, तो टाइट पूरी तरह से करना है, इसको लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखोगे तो हो सकता है कि आपका पानी या कुछ इसमें आप चलाओगे मटेरियल, तो वो लीकेज हो सकता है, और अच्छी तरह से करना है आपने। ये हो चुका है अच्छी तरह से टाइट, ज़्यादा भी ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो अच्छी तरह से अभी ठीक है, अभी चलाने लायक हो गया है। तो अभी हम करते हैं मटेरियल तैयार इसका, कि मटेरियल किस तरह से इसका बनाते हैं, और उससे मटेरियल, उससे पहले तैयार करने से पहले मटेरियल के लिए इस पर हम टैप लगाएंगे दीवार पर, जो हमारी जो दीवार है उस पर टैप लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टेक्चर बनाना। तो टेक्चर हम जो सिंपल जो दीवार है हमारी, इस पर भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा डिजाइन लुक देना है। एक तो दाने का लुक बन जाएगा इसका, दाना जो हम डालेंगे ही दो तीन रंग का, और उसके बाद जो लुक है एक जो हम बनाएंगे 10x10 इंच का गोला, मतलब स्केल बनाएंगे, तो उसका भी एक लुक अलग आएगा। तो मैं इसको जो चारों तरफ मैं 10x10 इंच नापूंगा, 10x10 इंच नाप के क्या है कि मैंने टैपिंग लगा दूंगा उसको। टैप लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने जो टेक्चर डिजाइन निकालना है, जो दाना छापना है, वो गन से निकालना है। तो पहले मैं 10x10 इंच के चारों तरफ निशान लगा लेता हूँ। तो गाइस, मैंने चारों तरफ दीवार होती है हमारी, उस पर मैंने निशान लगा लिया है 10x10 इंच का। तो आपको ये निशान नाप के दिखा देता हूँ मैं, ये 10 इंच का है मेरा, ये देखो। तो 10x10 इंच पे मैंने चारों तरफ लगा लिया निशान। अब क्या करना है, हमने चारों तरफ टैप लगानी है 10x10 इंच पे ही। तो जो हमारा जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा 10x10 इंच का। ये छोटा है वो इससे बड़ा बनेगा। तो उसी तरह से हमने खाने निकालने हैं, तो मैं दिखाता हूँ उसमें टैप लगाना। तो गाइस, इस पर आप टैप लगाने जा रहे हैं, 10x10 इंच का बनाएंगे सर्कल। ये मास्किंग टैप बोलते हैं इसको, मास्किंग टैप है ये। तो गाइस देख सकते हो अभी मैंने इस तरह से इस पर टैप लगा दिया है। अब मैंने ऐसे ऐसे लगाना है, 10x10 इंच का लगाना है, 10x10 इंच का करना है। तो दिखाता हूँ इस तरह लगा के। हमारा टैप पूरा लग चुके, अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब इसमें हमने कुछ अगर अलग से डिजाइन देना है, अलग से कुछ बनाना है, तो अलग से हम इसमें डिजाइन या अलग से कोई टैप लगा सकते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने टैप इतना, तो इसको हमने इतना कर देना है। इसी तरह से अगर बीच में अगर मतलब जगह जगह अगर कट देना है तो लगा सकते हो। जैसे ये हो गया, ये कट दे सकते हो उसके अंदर, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ खाली। अगली वीडियो में मैं कट वाले लेके आऊंगा। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो सनर्जी पेंट का टेक्सचर है, और इसमें सुपर फाइन निकलता है, जैसे लिक्विड बाल पुट्टी होती है, एक्रेलिक बाल पुट्टी होती है, उसी की तरह इसमें लिक्विड बाल पुट्टी होती है, और वो सिर्फ टेक्सचर के लिए यूज होती है। आप इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कर सकते हो। तो इस पर लिखा है सनर्जी प्लस, तो ये हमारा इसको जो पेंट है इसके अंदर वो है सुपर फाइन। तो इस पर एक्सटीरियर लिखा है, इंटीरियर भी, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों जगह कर सकते हो टेक्सचर पेंट। तो इसके अंदर जो निकलता है मटेरियल वो लिक्विड निकलता है पुट्टी की तरह, पूरा वाइट होगा, ये देखिए पूरा वाइट होता है। नई पैकिंग है, इसको खोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, रुखा होता है यार। तो गाइस जैसा जिसमें मटेरियल निकलता है वैसे ही मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। किसी किसी मटेरियल में पानी डालने की जरूरत होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इसमें पानी डालूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, ये देखिए। तो इसके अंदर डायरेक्टली डालना होगा। तो गाइस जो मटेरियल मैंने डाल दिया है,
पहले बोरी में था, बोरी में से निकल नहीं रहा था ठीक से, तो मैंने इसको बाल्टी में कर लिया है और अच्छी तरह से इसको फुल कर लिया है मैंने। स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं हम इस पर दाना लगाना और देखते हैं किस तरह से दाना उठता है इसका। तो गाइस देखा आपने, ये छोटा दाना में ये बड़ा है, बड़ी नोजल से हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने जो मटेरियल के अंदर डाला था वो सारा ख़त्म हो चुका है और जो दाना है जो यहाँ से जो निकलती है इसकी, तो जैसे अगर कम बढ़ती है अगर दाना पड़ भी जाता है ना, तो आप उसे डबल दोबारा बराबर कर सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे छोटी गन से डाला था तो छोटा छोटा दाना आया था, उसके बाद फिर मैंने ये बड़ी गन से डाला, तो इसमें मतलब दाना हर तरह का बन सकता है। तीन साइज है। छोटी गन में क्या आएगी, छोटा जो उसकी नोजल होती है तो छोटी नोजल से क्या होता है, थोड़ा पतला माल मटेरियल चलाना पड़ता है और जो थोड़ा उससे बड़ा जो मुंह होता है उसका थोड़ा गाढ़ा रखना पड़ता है, और जो सबसे बड़ा मुंह उसका नोजल का होता है उससे भी ज़्यादा गाढ़ा रखना पड़ता है। तो अभी देखते तो बबल फिनिश जो दाना है वो बहुत अच्छा निकल चुका है, बहुत शानदार निकला है। इस पर मैं अभी एक कलर और मारने वाला हूँ, इसके बाद एक कलर और मारूंगा इस पर अभी, तो वो देख दिखा देता हूँ आपको एक दूसरा कलर भी लगने के बाद कैसा लगता है। तो गाइस देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने एक रेड स्टैंडर्ड जो होती है रेड वाली मिलाई है, लगा इसके अंदर डाली है, जो मटेरियल जो दीवार पे लगाया वही इसमें ही मिलाया हमने, और एक हमारे पास ब्राउन है। तो इन दोनों को जो मिला के जो मिक्स करके जो कलर बना है वो लाइट चॉकलेटी बना है, तो हमने लाइट चॉकलेटी ही इस पर मारना है वाइट के ऊपर। नीचे जो बेस था हमारा वो ब्लू का था, तो लाइट चॉकलेट ही डालना है हमने पूरा दीवार पर इस पर अच्छी तरह से, पर इसकी जो हमने दीवार पर जो देनी है वो हल्की हल्की टचिंग देनी है, ज़्यादा नहीं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम इस पर, जमा शेड देना, थ्री शेड हो जाना है हमारा। पहला एक कलर ब्लू है, ऊपर से व्हाइट, फिर इसके बाद लाइट चॉकलेटी। तो स्टार्ट करेंगे हम, हल्का हल्का कलर देना। तो गाइस देखते हैं अब टैप निकाल के कैसा हमारा सर्कल और जो 3D टाइल्स है वो कैसी बनी है, और बहुत अच्छा लुक आया है इसका, एकदम रफ लुक आया है। अभी इसमें मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो जूम करके देखिए कि किस तरह का लुक आया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो किस तरह का मोटा मोटा दाना है हल्का सा, और कितनी अच्छी इसकी जो फिनिशिंग है वो लुक, एकदम रफ लुक जो आई है बहुत शानदार आई है। तो 3D जो लुक है बहुत शानदार है, और जो स्केल है हमारा वो 10x10 है, वो मैं टैप अब निकालता हूँ और देखते हैं हमारी किस तरह की टाइल्स आई है बन के। ये बहुत शानदार लुक आ रही है इसकी निकल के, ये आप देख सकते हो पूरी तरह से, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लुक तो बहुत शानदार आई है, एकदम रफ लुक आई है, और जब घर के अंदर ये टाइल्स अगर हम बनाएंगे बहुत शानदार लगेगा। मैंने ये दीवार पे बनाई है तो मेरा तो मन है कि इसको मैं अब खराब ही नहीं करूँ, बहुत शानदार है, और इसको मैं रखूंगा दीवार पे, बहुत अच्छी लुक है इसकी, रिच लुक है। वाओ, तो फाइनली यार हमारी दीवार फाइनल हो चुकी है और बहुत शानदार लुक है इसका, आप देख सकते हो डबल जो इफेक्ट है इसका और 3D इफेक्ट आ रहा है। बन ये है हमारा ब्लू कलर का, उसके बाद व्हाइट है, उसके बाद फिर चॉकलेटी जो लाइट कलर हमने दिया है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत शानदार आया है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो कितना शानदार इसका लुक आया है, बहुत शानदार लुक है, और आपको करीब से भी मैंने दिखा दिया है, और भी करीब से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ और भी, कि इसमें जो डबल इफेक्ट है ना बहुत शानदार डबल इफेक्ट दिया है, और टाइल्स जो दीवार पर बहुत शानदार लग रही है और बहुत ही गजब की लग रही है। इसके ऊपर चाहे आप टच बोर्ड वगैरह वार्निश वगैरह मार सकते हो ज़्यादा चमक के लिए, लेकिन मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो लुक है मैंने रफ लुक रखा है और चमक नहीं रखनी है, मैंने मैट में ही रखना है ये, तो मैट में ही ये बनाया है। तो कितना शानदार लुक है, बहुत शानदार है। अभी पूरी दीवार दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हो यार क्या पूरी दीवार मैंने आपको दिखा दी है, इसी तरह से सर्कल सारे बने हैं, बहुत शानदार बने हैं। आप भी बना सकते हो, इस गन को खरीद कर आसानी से बन सकता है, और एक डिजाइन नहीं बहुत सारे डिजाइन बन सकते हैं इसमें, काफ़ी सारे। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं डार्क या कहीं लाइट लग रहा है तो बाद में भी इसमें कलर दे सकते हो आप।